एक्स और हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिकली की ट्रामा यूनिट एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सिन्हा के द्वारा किए गए सफल ऑपरेशन से कांकेर में पदस्थ CAF का जवान दिव्यांग होने से बचा है। जवान हेमनाथ यादव ने रायपुर के किसी अन्य अस्पताल में किए गए ऑपरेशन की वजह से पैर में मवाद भर गया था। फिलहाल हेमनाथ स्वस्थ हो चुका है, जिसे डिस्चार्ज किया जा रहा है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिकली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम एवं ट्रामा यूनिट में कांकेर में पदस्थ CAF के जवान धमतरी निवासी हेमनाथ यादव को दिव्यांग होने से बचाकर अंचल में अपनी फिर से श्रेष्ठता साबित की है। हेमनाथ यादव का बीते 28 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाने से जवान को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों द्वारा उसके पैर में प्लेट लगाई गई थी। प्लेट लगाए जाने के उपरांत से ही संक्रमण की वजह से पैर से लगातार मवाद आ रहा था और मरीज की स्थिति नाजुक होते चली जा रही थी। इससे हेमनाथ का पैर काटे जाने की नौबत आ चुकी थी। 19 मार्च को गंभीर अवस्था में हेमनाथ को SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिकली में भर्ती कराया गया, जहां हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सिन्हा ने उसे लगातार अपनी निगरानी में ICU में रखकर उपचार किया और कुछ दिनों के अंतराल के बाद मरीज के पैर का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों की मेहनत से जवान का पैर कटने से बच गया। अब हेमनाथ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। जवान हेमनाथ ने अपनी अवस्था और उपचार को लेकर जानकारी दी। मेरा नाम हेमनाथ यादव सर, कांकेर जंगल और कॉलेज, 28 जनवरी को शाम को रायपुर महादेवन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में नहीं, थोड़ा मवा टाइप का आ गया था, तो उससे घाव बन गया, तो वहाँ माँ से काटे थे, तो थोड़ा और ज़्यादा घाव बन गया, ठीक नहीं हो पाया वहाँ। उसके बाद मैं घर पर छुट्टी लेकर घर आ गया, तो फिर पता चला कि यहाँ दुर्ग में हॉस्पिटल है SR करके, तो फिर यहाँ पर आ गए इलाज करवाने के लिए। यहाँ इलाज थोड़ा ठीक है अभी जी सर। यहाँ के स्टाफ बहुत मेहनत किया सर मेरे को बचाने के लिए, मेरे पैर को डॉक्टर और नर्स वर्स, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे पैर को कटने से बचा लिया। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिकली के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सिन्हा, एनेस्थीसिया एंड ICU इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख ने मरीज की प्रारंभिक स्थिति और स्वस्थ होने को लेकर जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता SR हॉस्पिटल में मेडिकल अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ एवं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के भी मरीज देखता हूँ। विगत कुछ दिनों में हमारे पास कई विभागों के क्रिटिकल मरीज भर्ती हुए हैं, जिनको हमने सफलतापूर्वक इलाज करके भेजा है, जिसमें हेड इंजरी के पेशेंट्स, गायनिक के पेशेंट्स और ऑर्थोपेडिक के पेशेंट्स भी भर्ती हुए। हमारा हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक मरीजों के ट्रीटमेंट में विशेष जगह बना चुका है और कई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को हमने यहाँ पर ठीक करके भेजा है। आपने जैसे सुना, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने इस मरीज के बारे में जानकारी दी है। यह एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, जिसमें पैर कटने की नौबत आ सकती थी, लेकिन पेशेंट्स और सही तरीके से उसके इलाज के द्वारा इस मरीज के पैर बच गए हैं और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। इसी तरह हमारे अस्पताल में कई कॉम्प्लिकेटेड गायनेकोलॉजी के पेशेंट्स भी भर्ती हुए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से सफलतापूर्वक भेजा गया है और न्योनेटल ICU भी है, जहाँ पे बच्चों के कॉम्प्लिकेशन जो पैदा हुए हैं उनको भी हमने वेंटिलेटर से निकाल के सही सलामत भेजा है। आज हमारे अस्पताल में विभिन्न जगह पे कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम गाँव में घुसकर उन मरीजों का इलाज कर सके जो हॉस्पिटल ना आ सकता हो। इसी तरह से हमारे अस्पताल में 24 घंटे सारे फैकल्टीज के डॉक्टर्स उपस्थित हैं और ट्रॉमा के पेशेंट्स जो रोड एक्सीडेंट्स में आते हैं उनको भी हमने काफ़ी सफलतापूर्वक इलाज करके भेजा है। विशेषकर पॉलीट्रॉमा के केसेस, जिसमें कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, हड्डी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट हो गया, न्यूरोसर्जरी हो गया, ये सारे स्पेशलिस्ट हमारे अस्पताल में मौजूद हैं और यह जो पेशेंट को हम आज ठीक करके भेज रहे हैं, यह एक यंग पेशेंट था जिसको इन्फेक्शन की वजह से पैर कटने की नौबत आई थी, लेकिन सही तरीके से इलाज एवं मरीज के कोऑपरेशन के द्वारा भी हमने उसको सफलतापूर्वक घर भेजने में सक्षम हुई। आने वाले दिनों में SR हॉस्पिटल आप सबके ट्रीटमेंट के लिए तत्पर है और किसी भी तरह की कोई अगर जरूरत पड़े तो हम 24 घंटे आपकी सेवा में उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक सिन्हा, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग।
एक हेमनाथ यादव जो कि स्पेशल आर्म फोर्स छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं, धमतरी के रहने वाले हैं वो। उनका एक्सीडेंट हुआ था जनवरी में, जिसके इलाज के लिए वो रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए, जहाँ पर उनका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के 3-4 दिन के बाद से ही उनको ऑपरेशन वाली जगह पर मवाद बनने लगा। तो मरीज को कुछ दिन वहीं पर भर्ती रखा गया, अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा ड्रेसिंग उनकी की गई, पर मवाद जो है वो कभी कम नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मरीज की छुट्टी कर दी गई, ये बोला गया उसको कि आप ड्रेसिंग कराते रहिए, ठीक हो जाएगा। और ऐसे काफ़ी दिन तक मरीज को मवाद आता रहा। मरीज गया वहाँ पर दोबारा अस्पताल में भर्ती हो गया, फिर भी अस्पताल ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मरीज कई अस्पताल में भटका और 19 मार्च को होली के दूसरे दिन मरीज हमारे पास एसआर हॉस्पिटल में इलाज के लिए आया। तो हमने अपनी जांच में ये पाया कि जो ऑपरेशन की जो जगह थी जहाँ पे प्लेट लगाया गया था, वहाँ पे संक्रमण हो गया था और बुरे तरीके से वो फैल भी गया था। तो हमने ये डिसीजन लिया कि इसका प्लेट हम निकालेंगे और प्लेट की जगह पर बाहर से रॉड लगा के पैर की लंबाई को मेनटेन करके रखेंगे। जब हमने ऑपरेशन पर मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लिया, तो हड्डी की जो स्थिति थी वो देख के ऐसा लग रहा था कि शायद मरीज का पैर काटना पड़ेगा। क्योंकि मरीज की उम्र सिर्फ 32 वर्ष है, वो सेना का जवान है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो ये डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल था हम लोगों के लिए। तो हमने क्या किया, उस समय प्लेट निकाल दिया और अच्छे से मरीज के पैर की सफाई कर दी और बाहर से एक रॉड लगाया और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में यहाँ पर हमने मरीज को भर्ती करके रखा। अभी जो मरीज की स्थिति है वो बहुत बेहतर है, आज हम मरीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं और करीब 14-15 दिन से उसको ऑपरेशन की जगह में कोई भी संक्रमण के लक्षण नहीं है, कहीं पर भी मवाद नहीं है और कोई बुखार नहीं है। जैसा कि मरीज का भर्ती होने के पहले बुखार आ रहा था और उसकी किडनी की जो स्थिति थी वो भी बदल रही थी, मरीज किडनी फेलियर में भी जा सकता था। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि एसआर अस्पताल जो है वो तत्पर है मरीजों की सेवा के लिए। हम लोग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यहाँ पे इलाज कर रहे हैं और हमारे प्रयासों से एक जवान का जो पैर है वो कटने से बच गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनेस्थेसिया तथा आईसीयू इंचार्ज एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। एक हेमनाथ यादव नामक सीआरएफ जवान हमारे यहाँ मार्च महीने में एडमिट हुआ था। इस मरीज का ऑपरेशन करीब 2-3 महीने पहले मतलब जनवरी में रायपुर के किसी अस्पताल में किया गया था। मरीज के एक्सीडेंट में दाहिने जांघ की हड्डी टूट गई थी, जहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन करके अंदर रॉड बिठाया हुआ था। मरीज जब हमारे पास आया तब उसके घाव में से मवाद आ रहा था, पैर के घुटनों में बड़ा सा घाव बन गया था, अंदर की हड्डी नज़र आ रही थी, मरीज को बुखार आ रहा था। ऐसी स्थिति में मरीज का पैर बचाना एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। चूँकि वो सेना का जवान था, घर का इकलौता कमाने वाला मर्द था, तो उसका पैर बचाना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में हमने इस चैलेंज को स्वीकारा। हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दीपक सिन्हा ने डिसीजन लिया, हमने उनको ऑपरेशन थिएटर में लिया। पैर का जो प्लेट अंदर लगा हुआ था वो निकाला गया, अंदर से मवाद जो निकल रहा था उसे पूरी तरीके से साफ किया गया। उसके बाद करीब 14-15 दिन मरीज हमारा आईसीयू में भर्ती था। मरीज को एक वैक्यूम ड्रेसिंग नामक एक विशेष ड्रेसिंग होती है जो आईसीयू में प्रोवाइड की गई, जिसके द्वारा हड्डी के अंदर तक घुसा हुआ जो मवाद था वो पूरे तरीके से हमने खींच के बाहर निकाल दिया। आज मरीज पूर्णतः स्वस्थ है, किसी भी तरह संक्रमण के लक्षण उसमें नहीं पाए गए हैं। वो मरीज का जो घुटने का घाव था वो भी पूरी तरीके से भर गया है। तो हमें खुशी है कि एक सेना के एक जवान के पैर बचाने में एसआर हॉस्पिटल सफल रहा है। बहरहाल सीएफ के जवान हेमनाथ यादव को दिव्यांग होने से बचाने और लगातार उसकी मॉनिटरिंग करने एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टर अश्वनी शुक्ला, डॉक्टर नीलम चंद्राकर, डॉक्टर हिमांशु चंद्राकर, डॉक्टर संदीप ओझा एवं हरी साहू, योगेश साहू, सीमा बारहरे, मनोहर सुचित्रा पैकरा, प्रतिभा केरकट्टा, महेश आदि की अहम भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।